नमस्कार, मैं आनंदमयी बिहारी न्यूज से मैं आपको बताने जा रही हूँ। 7 अगस्त को मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने को है। इस मौके पर मदरसा के शिक्षकों को नई योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना की तैयारी के साथ साथ बिहार सरकार ने यह ऐलान किया है कि बिहार के सभी मदरसा को, जिनकी संख्या 1942 है, इस मदरसों में 18,000 शिक्षकों और कर्मियों को वेतन के साथ अब पेंशन भी मिलेगा। बिहार सरकार ने ये ऐलान किया है कि मदरसा के 18,000 शिक्षकों और कर्मियों के लिए 1 अगस्त से पेंशन योजना स्कीम लागू की जाएगी। अब उनके वेतन का 10-12% हिस्सा पेंशन के रूप में कटेगा, जिसमें सरकार भी उतनी ही राशि उनके पेंशन में देगी जितने की उनके वेतन से कटेगी। खबर ये भी है कि 1128 मदरसों के 13,536 शिक्षकों को अगस्त के महीने 7वां वेतनमान दिया जाएगा। ये वेतन कर्मियों को मार्च से ही जोड़ कर दिया जाएगा। इस योजना से हर एक शिक्षकों और कर्मियों को करीब 7,000-10,000 का प्रतिमाह फायदा मिलेगा। ये खबर बिहार बोर्ड के मदरसा टीचरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मदरसा टीचरों के लिए पहली बार बिहार सरकार ने वेतन के साथ साथ पेंशन देने की भी घोषणा की है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यही वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।